हेलो वीवर्स, आज की वीडियो एमराइलसिस लिली प्लांट पर है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ एमराइलसिस की बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए, ये एक रैनी पर तीन तीन फूल आ रहे हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये वीडियो एक एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है जो संतोष जी ने किया था लास्ट ईयर अक्टूबर में। वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो मैं अब आपको सब इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब ये एक बार फ्लावरिंग कर लेते हैं तो उसके बाद इसके बल्ब डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो लास्ट ईयर क्या किया था, लास्ट ईयर हमने इसका एक बल्ब निकाल लिया और उसे एक, ये वीडियो पीछे से साइलेंट मोड में है इसलिए मैं अब आपको थोड़ा सा उस वीडियो के बारे में बता देती हूँ कि हमने अक्टूबर में इसका एक बल्ब निकाल कर उसे चार पीसेस में कट कर लिया और उसे चार अलग अलग पॉट में लगाया। फिर उसके बाद उसकी कैसे उसकी ग्रोथ होती है 2 मंथ बाद या फिर उसके बाद 4 मंथ के बाद उसकी क्या क्या उसकी अपडेट है वो सब इस वीडियो में है। और टिल नाउ अब तक उन पॉट में कैसी अब उनकी फ्लावरिंग हो रही है वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करें ताकि अब जब आपके ये बल्ब एमराइसिस के बल्ब जब डोरमेंसी में चले जाएँ तब आप भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखें कि आप भी इस तरह से अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिस तरह से हमने किया है और उसे पॉट में लगाकर बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अक्टूबर मंथ में जब इस वीडियो को हमने जब इस एक्सपेरिमेंट को किया था।
वीवर, ये मार्च मंथ की ग्रोथ है, आप देख रहे हैं बर्ब ने कितनी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। फरवरी में हमने इसे बड़े पॉट में लगाया था, ये देखें प्लांट और इनकी पत्तियां भी बहुत सुंदर हो गई हैं। और आज मैं इनको एक फर्टिलाइज़र देने वाली थी, तो वो फर्टिलाइज़र है ये काउडंग का पानी। इस काउडंग के पानी से इनकी फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। काउडंग का पानी प्लांट्स के लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है, तो इसे आप अपने किसी भी प्लांट पर अप्लाई कर सकते हैं। वीवर्स, ये देखें, ये अप्रैल मंथ की फ्लावरिंग है। देखें प्लांट ने कितनी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी है। और इस वाले प्लांट में ये देखें, इसका ये बर्ड निकला हुआ है, ये भी बस अभी कुछ दिनों में खिल जाएगा। मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाली हूँ जो बहुत ही ज़रूरी। इसमें एक बल्ब के साथ ही कई बल्ब तैयार हो चुके हैं, ये देखें। जैसे इसमें एक ये वाला है, एक ये, दो, इसमें ये इकट्ठे तीन चार बल्ब हैं जो इकट्ठे जुड़े हुए हैं, और एक इसके पीछे है, ये चार और एक बिल्कुल इसके। मैं दिखाती हूँ आपको इधर से, ये देखें ये छः, और ये भी दो बल्ब हैं। तो कम से कम एक बल्ब से हमारे एक पॉट में छः बल्ब तैयार हो चुके हैं। और इसमें भी, इस पॉट में भी ऐसे ही है, इसमें भी कई तीन चार बल्ब इसमें भी तैयार हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ख़त्म हो जाएगी, तब इन सारे बल्ब को हम निकाल कर अलग अलग पॉट में लगा देंगे। इससे आपके प्लांट, देखिएगा हमारे कितने सारे प्लांट इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसे ही इसमें है, इसमें भी कई बल्ब तैयार हो चुके हैं। तो आप देख रहे हैं, आप हमने एक बल्ब से ही कितने सारे बल्ब तैयार कर लिए। तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव और वीडियो देखने के लिए। तो आप भी इसी तरह से अपने बल्ब को लगाएं, एक्सपेरिमेंट किया करें अपने प्लांट्स के साथ। तो किसी और ऐसी किसी अच्छी वीडियो के साथ, किसी और वीडियो के साथ फिर आऊँगी। तब के लिए थैंक यू।